जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कई दफा ऐसा थप्पड़ लगाती है कि फिर सारी उम्र उसका निशान नहीं जाता। मर्द औरत की कदर तब करता है जब तक उसे हासिल नहीं कर लेता। मर्द औरत का शिकार करने के लिए बड़ी होशियारी से उसकी पसंद का चूल्हा पहनता है और जब उसे हासिल कर लेता है फिर अपने असली रंग डंग में आ जाता है। औरत समझती है कि मर्द बदल गया है, जबकि वो बदलता नहीं, वो अपने असली रंग में वापस आ जाता है। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी का होना जरूरी है। मर्द कहता है कि औरत बेवफा होती है, औरत कहती है मर्द बेवफा होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर वो इंसान बेवफा है जिसमें इंसानियत नहीं होती, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। अगर तुम्हें अपनी महबूबा से ज्यादा कोई और औरत खूबसूरत लगने लगे तो समझ लो कि तुम उस खोटे सिक्के की मानिंद हो जो प्यार की मार्केट में सिर्फ धोखे से चल सकता है, लेकिन इश्क मोहब्बत मार्केट में चलने के काबिल नहीं होता है, क्योंकि इश्क सिर्फ एक से किया जाता है। फर्क पड़ता है जैसे सफेद दूध में एक चुटकी हल्दी से, एक देग चावल में दो चुटकी जैफरान से, एक कप चाय में खटास की तीन बूंदों से। फर्क मकदार में कितना ही कम और तादाद में कितना ही नीचे क्यों ना हो, फर्क पड़ता है। हम कभी मौजूद से मोहब्बत कर ही नहीं पाते, ला हासिल के पीछे भागते रहते हैं। औरत को एक ऐसे मर्द की जरूरत होती है जो उसकी हर काम में मदद करे, उसकी इज्जत करे, उसके लाड़ में जमाने से हालात से लड़ जाए। ऐसे मर्द की नहीं जो दुनिया के सामने उसकी तजलील करे। पता है हम दोनों के बीच ये फासला क्यों आया? इसलिए कि मैंने पूरी दुनिया को छोड़कर तुम्हें सबसे पहले रखा, और तुमने क्या किया? मुझे छोड़कर पूरी दुनिया को रखा। जिनका कोई अपना मर जाता है उनके पास सोग मनाने का वाज़े जवाज होता है, मगर उन लोगों का क्या किया जाए जो अपनी उदास सूरतों की वजाहत नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जिंदा भी मुर्दों जैसे होते हैं। जहाँ किसी की मोहब्बत किसी और का होने जा रही होती है, वहीं कुछ लोग कह रहे होते हैं कौरमा ठंडा है, बिरयानी में बोटियाँ कम है। बेवकूफ औरत समझती है कि अपना जिस्म देकर वो मर्द की मोहब्बत खरीद लेगी। तू गलत सोचती है। अरे पगली, यहाँ तुमने चादर उतारी, उसके कदमों में वहीं वो तुझसे बहुत